13 अप्रैल 2029 के दिन एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक एस्ट्रॉइड एपोफिस हमारी धरती की तरफ तेजी से टकराने के लिए आगे बढ़ेगा और इसके धरती से टकराते ही धरती से लाखों लोगों की जाने जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में दुनिया की सबसे उन्नत प्रजाति के जीव होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इससे मुकाबला करें और धरती पे इंसानों का वजूद बरकरार रखें। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जिंदा रहने के लिए धरती की तरफ आने वाली एस्ट्रॉइड को पावरफुल न्यूक्लियर वेपन की मदद से ब्लास्ट करवाना होगा, जिसके चलते दो ही चीज हो सकती है। ऐसा कदम उठाने से या तो वो एस्ट्रॉइड धरती से बाहर अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो मामला एस्ट्रॉइड के टकराने से भी ज्यादा खराब हो सकता है। तो धरती के बाहर न्यूक्लियर ब्लास्ट करवाने से क्या क्या मुसीबतें आ सकती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। साल 2175 में एस्ट्रॉइड बिनु हमारी धरती के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है और इस केस में 2700 बार में से एक बार यानी कि 0.37% पॉसिबिलिटीज रहेगा कि ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकरा जाएगा। हम जिस एस्ट्रॉइड बिनु की बात कर रहे हैं वो लंबाई में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लंबा और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 15 गुना ज्यादा भारी है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज हमारी धरती से टकराती है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। बेनु के धरती से टकराने से इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो कि धरती के सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब द ज़ार बॉम्बा की एनर्जी से भी 23 गुना ज्यादा होगा। तो ऐसे खतरनाक सिचुएशन का सामना करने के लिए नासा ने अभी से कुछ प्लान्स बनाकर रखा है और इसी प्लान को नाम दिया गया है हाइपर वेलोसिटी एस्ट्रॉइड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हैमर यानी कि हथौड़ा। इस प्लान में उस एस्ट्रॉइड को धरती के बाहर अंतरिक्ष में ही डिटोनेट कर दिया जाएगा। मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम जितना जल्दी किसी एस्ट्रॉइड को डिटेक्ट कर पाएंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उस केस में हमें उस एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी यानी डायरेक्शन को बस फ्यू सेंटीमीटर ही चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए हमें बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एस्ट्रॉइड से कुछ 100 से 200 मीटर दूर ब्लास्ट करवाना होगा। और अगर ये प्लान फेल हुआ तो हमें बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब से डायरेक्टली उस एस्ट्रॉइड पर हमला करना पड़ेगा। लेकिन अगर एस्ट्रॉइड तक पहुंचने से पहले ही कोई गड़बड़ी हुई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा हो सकता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो तब हम पहले से काफी ज्यादा सेफ हो जाएंगे, क्योंकि धरती के बाहर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है और बिना एटमॉस्फेयर के न्यूक्लियर ब्लास्ट जाके भी ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाएगा, जिससे धरती में मौजूद सब सेफ रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए ये धमाका जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे अगर स्पेस में कोई हादसा हुआ तो तब भी किसी इंसान की जान नहीं जाएगी। तो ये जो हैमर मिशन की बातें अब तक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था वो सिर्फ उस केस में ही एप्लीकेबल होगा जब एस्ट्रॉइड का आकार उतना भी बड़ा ना हो। लेकिन अगर इसी एस्ट्रॉइड का आकार नॉर्मल साइज के एस्ट्रॉइड से बड़ा हो तो तब ये हैमर टेक्निक काम नहीं करने वाला और ऐसे सिचुएशन में डार्ट टैक्टिक के थ्रू बड़े एस्ट्रॉइड से लड़ना होगा। और डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शनल टेस्ट। नासा साल 2022 में एक एस्ट्रॉइड के ऊपर हमला करने वाला है जिसमें धमाका 310 TNT के बराबर होगा और इस ब्लास्ट से एस्ट्रॉइड टुकड़ों में बदलकर मीटियोराइट या उल्कापिंड बनके हमारी धरती पे बरस सकता है, जिसे अगर हम दुनिया का पहला मैनमेड मीटियोराइट शावर कहे तो गलत नहीं होगा। और अगर बिनु जैसे बड़े एस्ट्रॉइड को इसी वे में खत्म करना है तो उसके लिए हमें डार्ट मिशन में इस्तेमाल होने वाले बॉम्ब से कई लाख गुना पावरफुल बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे मिशन सक्सेसफुल होने के बाद भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब इतना बड़ा ब्लास्ट होगा तब धरती के चारों तरफ घूम रहे सैटेलाइट, स्पेस डिब्रिस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत ही बड़ी टक्कर हो सकती है। और इस ब्लास्ट में अगर एस्ट्रॉइड के 2-3 छोटे टुकड़े गलती से भी धरती के अंदर चला गया तो ये धरती में अपने साइज का 10 गुना बड़ा गड्ढा बना सकता है। अगर ये ब्लास्ट धरती के एटमॉस्फेयर के काफी करीब हुआ तो इस धमाके से उत्पन्न होने वाले रेडिएशन और धरती के मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक डिस्टॉर्शन के चलते धरती के अंदर मौजूद इंसानों को ऐसा लगेगा जैसे मानो आसमान में दिवाली के पटाखे फूट रहे हो। और अगर आप डार्ट मिशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आइक बटन, पिन कमेंट और एंड स्क्रीन में भी देखने मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।